नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। द अमर टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अभी सामने ये जो देख रहे हैं ये है XUV300O, और XUV300 में आपको सबसे बढ़िया चीज़ आ जाता है इसका पावर। और पावर से पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक 1.2 टर्बोचार्ज, वहीं अगर हम बात करेंगे तो आपको 1.2 आपको एम स्टैलियन इंजन मिल जाता है, वहीं 1.5 आपको एक इंजन आ जाता है जो कि वो भी आपको टर्बोचार्ज इंजन होता है। तो इसमें आपको तीन और इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये जो भी सामने देख रहे हैं ये आपको आ जाता है 1.2 एम स्टैलियन आपको टर्बो ये इंजन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैजिंग कुछ किया गया है TGDI का, अच्छा खासा यहाँ आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं ऊपर में तो महिंद्रा का आपको यहाँ नया वाला लोगो मिल जाता है, वहीं आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है, आपको यहाँ पर रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेलोजन में आपको हेडलैम्प मिल जाता है जो कि रिफ्लेक्टर बेस है, हाई लो यही मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको एक पार्किंग लैम्प मिल जाता है। अगर साइड में यहाँ देखते हैं तो ये आ जाता है टर्न इंडिकेटर। इसमें आपको आपको कोई फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको जगह दिया गया है। ये जो वेरियंट है आपको ये आपको यहाँ देख सकते हैं W6 वेरिएंट आपको देखने को यहाँ पर सामने ये मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो बड़ा सा ग्रिल दिया गया इसके ऊपर भी आप रेड इंसर्ट देख सकते हैं। अगर स्किड प्लेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ सिल्वर में स्किड प्लेट देखने को यहाँ मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसका साइड प्रोफाइल की, तो इसका साइड प्रोफाइल भी अच्छा खासा आ जाता है। अगर साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको फेंडर पर ही इंडिकेटर मिल जाता है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं इसके क्लैडिंग की। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक में आपको पूरा पूरा क्लैडिंग किया गया है जो कि एक छोर से दूसरे छोर को ये जोड़ता है, जो कि इस गाड़ी को बढ़िया और बोल्ड बनाता है। बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके टायर प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो आपको इसका टायर प्रोफाइल मिल जाता है 205/65R16 इंच का। इसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में आपको मिल जाता है ये डिस्क ब्रेक। वहीं अगर हम रेयर में बात कर लेंगे तो आपको रेयर में ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं ये ड्रम ब्रेक में आ जाता है। बात कर लेते हैं इसके फेंडर की, अगर फेंडर की हम बात करते हैं आपको यहाँ पर TGDI का बैजिंग किया गया है और यहाँ आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि फेंडर पर ही दिया गया है। अगर ORBM की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पियानो फिनिश में ORBM मिल जाता है। इसका ए पिलर भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाता है, और वहीं देखेंगे अगर बी पिलर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में मिलता है। सी पिलर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ब्लैक पियानो फिनिश में आ जाता है। अगर डोर हैंडल्स की हम बात कर लेंगे तो आपको यहाँ बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है। ऊपर में देखेंगे तो आपको अच्छा खासा रूफ रेस मिल जाता है, ये भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश में आ जाता है। चलते हैं अब इसके हम रेयर प्रोफाइल में, तो रेयर प्रोफाइल कैसा आ जाता है, तो रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को ये इसमें मिल जाएगा। अगर हम ऊपर में इसके देखते हैं रेयर में, तो आपको ऊपर में आपको एक मिल जाता है एंटीना जो कि कुछ रेगुलर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इसका रेगुलर एंटीना आ जाता है। इसमें कोई आपको ऊपर में स्पॉइलर देखने को नहीं आता है। यहाँ देखेंगे तो आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाता है। इसमें आप इस वेरियंट में आपको डिफॉगर और वाइपर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो आ जाता है। यहाँ देखते हैं तो आपको XUV300O का आपको बैजिंग किया गया। वहीं अगर हम बात कर लेंगे इसके टेल लैंप की, तो आपको दो पार्ट में टेल लैंप बांटा गया है। एक तो आपको बॉडी में ही आ जाता है, एक टेल गेट में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। ये सब जो देख रहे हैं ये फ्लैक्स LED में आ जाता है। वहीं अगर देखेंगे तो आपको यहाँ जो देख सकते हैं ये आपको हेलोजन में मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में मिल जाता है। नीचे की साइड में यहाँ आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया, बड़ा सा आपको पीछे का बंपर दिया गया। स्किड प्लेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ जाता है सिल्वर कलर में। दो रेयर पार्किंग सेंसर भी आपको इसमें दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके बूट की, अच्छा खासा आपको बूट भी इसमें देखने को मिल जाता है, और बूट में आपको ज़्यादा डीप नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा कोई सामान वगैरह रखने में या निकालने में। वहीं अगर हम इसके सेकेंड रो की बात कर लेंगे तो चलते हैं आगे में और बात करते हैं इसके सेकेंड रो में। उससे पहले हम यहाँ आपको दिखा देते हैं इंसुलेशन के लिए, आपको यहाँ पर प्लास्टिक से पूरा ये कवर किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया है, आपको काफ़ी प्रीमियम कार है ये महिंद्रा का। तो अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में, सेकेंड रो में पहले बात कर ले तब चलेंगे फर्स्ट रो में। यहाँ अगर आप देखते हैं तो बॉडी कलर में आपको इसका मिल जाता है डोर हैंडल्स। अब यहाँ देखेंगे तो वो फुल ब्लैक आपको मिलता है इसका डोर पैनल। अगर डोर पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको टोटल हार्ड प्लास्टिक में ही दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये मिल जाता है पावर विंडो का कंट्रोल। यहाँ देखेंगे तो डोर ओपनर भी आपको ब्लैक में मिलता है, लॉक ऑनलॉक के लिए मिलता है। स्पीकर का प्लेसमेंट आपको यहाँ किया गया है, एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, और अच्छा खासा इसमें आपको जगह भी दिया गया है। अंदर में आपको यहाँ देखते हैं तो ये आपको आ जाता है इसका सीट कवर जो कि इसमें लेदर में है। आपको वहीं अगर हम बात करेंगे ये तो ये आपको अलग से इसमें लगा हुआ है। अगर बात कर ले इस रेयर वाले सीट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडरेस्ट जो दिया गया है इसमें एडजस्टेबल इसमें नहीं आता है। इसका दोनों देख सकते हैं हेडरेस्ट दोनों में से कोई आपको एडजस्टेबल नहीं आता है। लेकिन सीट अगर हम कार्गो एरिया की बात करेंगे, अगर आपको अच्छा खासा कार्गो चाहिए तो यहाँ से आप इसको ये कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हम आपको फोल्ड करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है ये,
तो यहाँ अगर फोल्ड अगर कार्गो एरिया अच्छा खासा चाहिए तो देख सकते हैं पीछे वाले रो को 100% में ही फोल्ड कर सकते हैं। ये 60-40 का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ से आप देखेंगे प्रोफाइल आगे का तो अच्छा खासा आपको एकदम बड़ा सा प्रोफाइल नजर आ जाता है, चूंकि इसका लंबाई जो दिया गया है आपको 3995 mm का इसमें आपको लंबाई मिल जाता है, जो कि एक बलेरो जो देख रहे हैं इसके लंबाई के बराबर में ये आ जाता है। तो अब चलते हैं इसके फ्रंट में, और फ्रंट में बात कर लेते हैं कि फ्रंट में क्या सब देखने को हमको मिल जाता है फ्रंट डोर पर। इसको कर देते हैं पूरा फोल्ड। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट डोर पे। अगर हम फ्रंट डोर की बात करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ्रंट डोर पे इसका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर बात कर ले फ्रंट डोर की तो ये भी ब्लैक में मिल जाता है। यहाँ ऑल फोर पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, एक ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको यहाँ मिल जाता है, ये ORVM डोर ओपनर मिल जाता है, ट्विटर का प्लेसमेंट यहाँ किया गया है। यहाँ देखेंगे तो आपको लॉक ऑन लॉक के लिए सारा कुछ दिया गया है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, दो बॉटल होल्डर आगे में आपको मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आ जाता है पेपर वगैरह रखने के लिए, मैगजीन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर सीट की हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केवल रिक्लाइन करने के लिए इसमें आपको मिलता है। यहीं अगर बात करेंगे अगर हमको अगर हाइट इसका एडजस्ट करना है तो इसमें हाइट एडजस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। यहाँ देखेंगे तो आपको ये मिल जाता है फ्यूल ओपन करने के लिए, यहाँ से आपको एक लीवर दिया गया है, आगे हुड ओपन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का एक बटन यहाँ पर मिल जाता है, तो अच्छा खासा इसमें आपको फीचर भी मिल जाता है। यहाँ लाइट लेवलिंग के लिए दिया गया है। इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो फुल ब्लैक आपको मिल जाता है। अगर आगे पीछे करना हो तो यहाँ पर एक ये दिया गया है रॉड, इससे पकड़ इसको पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। वही अगर हम इसके की बात करेंगे तो आपको लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है यहाँ पर, तो ये अच्छा खासा उसको इसमें की इसका मिल जाता है। दोनों की देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाता है। बीच में अगर देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये लाइट इंडिकेटर, जैसे इसको दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर आप चारों इंडिकेटर आपका ब्लिंक होने लगता है। अब चलते हैं इसके अंदर में, बात कर लेते हैं कि अंदर में आपको क्या सब देखने को मिल जाता है। तो बैठते हैं अंदर में। अगर क्लस्टर की बात करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इसका क्लस्टर आपको दिया गया है, जो कि आपको मैनुअल में ही मिलता है। RPM मीटर इधर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है RPM मीटर आपको इस साइड में दिया गया है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी आपको 220 यहाँ दे सकते हैं स्पीड आपको इसका दिया गया है, जो कि काफ़ी आपको स्पीड के मामले में तो खैर आपको अच्छा खासा इसमें पिकअप वगैरह मिल जाता है, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बात कर लेते हैं इस स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको राउंड शेप में यहाँ स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सुंदर आपको यहाँ स्टेयरिंग इसका आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर सारा कंट्रोल यहीं से कर सकते हैं, महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है। इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ अगर ये देखते हैं सब आपको ब्लैक में मिलेगा, इसमें कोई कवर वगैरह भी नहीं किया गया है। फ्रंट में आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका डैशबोर्ड दिखने में लगता है। यहाँ अगर इसमें म्यूजिक सिस्टम का ये पूरा सेटअप यहाँ पर दिया गया, जो कि सारा कुछ इसमें मैनुअल मिलता है, टच नहीं मिलता है। यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाता है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग जो होता है ये स्टेयरिंग, इसको आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम स्टेयरिंग की बात कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा इसमें मोड दिया गया, आपको स्टेयरिंग में तीन मोड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक आपको कम्फर्ट मोड दिया गया, वहीं अगर देखेंगे तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो बटन दिया गया यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही इसको फिर अगर आप लगभग 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप जो कंफर्ट मोड देख रहे हैं तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है एक ये नॉर्मल मोड। तो देख सकते हैं ये आपको कंफर्ट, कंफर्ट के अलावे इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये आ जाता है नॉर्मल मोड, और नॉर्मल मोड के अलावे एक और मोड आ जाता है जो कि है स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ अगर आप देखते हैं जैसे ही फिर 2-3 सेकंड के लिए इसको यहाँ पर अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो आ जाता है ये स्पोर्ट्स मोड। तो तीन मोड आपको इसमें देखने को यहाँ मिल जाएगा, जो कि ट्रिप यहाँ से आप सेट करते हैं सारा कुछ। यहाँ अगर मीटर यहाँ देखेंगे ये तो इसमें आपको नहीं मिलता है एडजस्टमेंट, सारा कुछ एडजस्ट आप ट्रिप ए ट्रिप भी सारा कुछ यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको उसका बटन यहाँ पर प्लेस किया गया है, और यहाँ देखते हैं आपको तो एयरबैग जो सेकेंड रो का एयरबैग है इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, और फर्स्ट इन सेगमेंट आपको मिल जाता है एसी का सिस्टम। अगर एसी के हम सिस्टम की बात करेंगे तो दो पार्ट में यहाँ पर एसी का सिस्टम पूरा का पूरा बांटा गया है। अगर देख ले तो एक साइड एक रो देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में और एक उस साइड में, दोनों साइड में आपको इसको बांटा गया, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको फर्स्ट इन सेगमेंट ये मिल जाता है। टिकटॉक का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको एयरबैग का प्लेसमेंट किया गया है, वहीं देखते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एयरबैग का प्लेसमेंट किया गया है। अंदर में देखते हैं तो अच्छा खासा एक स्टोरेज मिल जाता है, मोबाइल रखना हो या जो भी सामान रखना हो तो यहाँ पर आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्लव्स के, ग्लव बॉक्स की, तो इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे आपको अच्छा खासा एकदम बड़ा सा डीप ग्लव बॉक्स आ जाता है। इसमें कोई भी सामान वगैरह रखना हो, लैपटॉप आप इसमें कम से कम दो तो रख ही सकते हैं, इतना इसका डीप आपको दिया गया है ग्लव बॉक्स। यहाँ अगर देखते हैं तो अच्छा खासा आपको स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक मिल जाता है 12 वोल्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन, ये
यहीं और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपको मेमोरी, तो अब है नहीं तो आप पेन ड्राइव इसमें लगा करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑक्स का भी सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया है, मैनुअली एडजस्टमेंट सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर देखेंगे एसी का तो ये सब कुछ आपको मैनुअल मिलता है और अच्छा खासा एसी का थ्रो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्टोरेज दिया गया है, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। यहीं देखेंगे तो दो कप होल्डर आपको दिया गया है, दो नहीं आप यहाँ पर तीन बोल सकते हैं, अच्छा खासा जगह भी आपको मिल जाता है। इसमें कोई आपको आर्म रेस्ट वगैरह देखने को इसमें नहीं मिलेगा। और बात कर ले हम इस गियर कंसोल की तो आपको अच्छा खासा एकदम बड़ा सा गियर कंसोल मिल जाता है। अगर यहाँ पर एक आर्म रेस्ट होता तो खैर काफ़ी चौड़ा इसमें आर्म रेस्ट हो सकता था। ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है सन वाइजर, सन वाइजर के ऊपर देख सकते हैं आपको दिया गया वैनिटी मिरर विथ लाइट, रात में आपको अगर मेकअप करना है तो कहीं कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आ जाता है आपको सनवाइजर, इसके ऊपर टिकट होल्डर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब टिकट होल्डर का काम खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है ये क्या बोलते हैं ना, माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आ जाता है सनग्लास होल्डर, अगर सनग्लास होल्डर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो लाइट का ऑप्शन दिया गया है दोनों साइड में, तो ये आपको हेलोजन मिल जाता है। ऊपर में आपको मिल जाता है इसमें एक ये सनरूफ, छोटा सा इसमें आपको सनरूफ दिया गया है। यहीं से आप सिंगल टच में आप इसको आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। लाइट वगैरह तो खैर काफ़ी बढ़िया इसमें आपको मिल जाएगा, अगर देखते हैं तो सिंगल टच में आगे और पीछे कर सकते हैं और ये इसको यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया इसमें आ जाता है। तो चलते हैं पीछे, छूट गया था ये। अगर यहाँ इसकी हम बात करेंगे तो आपको दिया गया IRVM, IRVM इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट यहाँ से करने के लिए आपको दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ अगर इसके कम्फर्ट की बात करेंगे सीट के, तो अच्छा खासा सीट का कम्फर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं रेयर साइड में और बात कर लेते हैं बैठ के कि इसका कम्फर्ट कैसे आ जाता है पीछे वाले रो में। अगर हम सेकेंड रो में बैठते हैं तो सेकेंड रो में भी आपको अच्छा खासा इसमें जगह मिल जाता है और आप इसमें तीन लोग बैठ सकते हैं इजी वे में, कहीं कोई अगर परेशानी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अच्छा खासा इसमें लंबाई आप देख सकते हैं, मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा उस गेट के पास में। और बीच में यहाँ देखते हैं तो एक आपको हेलोजन में लाइट मिल जाता है, यहाँ देखेंगे तो एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और हम अपने हिसाब से इसका आगे का सीट एडजस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे तो आपको नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, लगभग अच्छा मतलब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा इसके नी रूम में। अगर हम लेग रूम की बात करेंगे तो लेग रूम थोड़ा सा कम है बट ठीक है, आपको अगर वहीं अगर बात कर लेंगे इसमें हम हेड रेस्ट की तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ देखेंगे और हेड रूम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि इसमें हेड रूम जो होता है वो ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, इंजन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो इंजन की हम बात करेंगे तो इसमें आपको 1.2 M स्टेलन इंजन इसमें आ जाता है। अब इसके इंजन कम बात कर लेते हैं और पावर की भी बात कर लेते हैं। अगर हम इसके इंजन की बात कर लेंगे तो अच्छा खासा आपको इंजन ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो ये अभी आपको TGDI है, M स्टेलन इंजन है 1.2 टर्बो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैजिंग तो है ही, अगर हम इसके पावर की बात कर लेंगे तो लगभग आपको 86 kW का पावर मिल जाता है। वहीं अगर हम इसके टॉर्क की बात कर लेंगे तो 230 Nm का आपको टॉर्क भी इसमें मिल जाता है। ये 5-star रेटेड कार है इसलिए इसके हुड में भी आपको अच्छा खासा इसमें वजन मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये इंसुलेशन के लिए इसको अच्छा खासा ये मैटिंग इसमें किया गया कि इसका आवाज़ जो होता है इंजन का वो आपको कैबिन तक नहीं जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।